मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अरे तो पापा से बोलते यहाँ पे खाना खाते जाते आज क्यों नहीं। अच्छा नहीं लगता। एक तो पापा से मैं बोल नहीं सकती जबरदस्ती की खाके जाओ, बहुत ज्यादा हड़बड़ाते भी हैं। मुझे मुझे साउथ इंडियन होटल नहीं किया, बहुत ज्यादा पसंद आती है वहां की चटनी मुझे। और ये देखिए, ये मेरे पापा लाए हैं। आज सुबह मुझसे पूछ रहे थे कि क्या खाओगे, जाएंगे 5 मिनट के लिए रुकेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि बोल गया कि नहीं एक कप चाय लेके जाएंगे, वरना मैं कुछ बोल भी नहीं पाती पापा से सच में। अरे इडली का साइज तो देखो कितना बड़ा बड़ा, इडली का साइज थोड़ा दिखा दे। बापे, मेरे पाम से भी बड़ा है। डॉक्टर खाऊंगे बस, इवियन दो आयन दो खाऊंगे। कुछ जरूरत नहीं था इतना सब कुछ लाने की, बस मुझसे पूछे पापा के क्या क्या खाना है बोलो। तो मैंने कहा एक डोसा ले आना अपनी जमाई के लिए और हम इडली खाएंगे। तो बोले कि उपमा बहुत अच्छा होता है बेटा वहाँ पे, उपमा नहीं खाओगे क्या? मैंने कहा कुछ भी नहीं और जितना बोल दिया पापा बस उतना और कुछ भी नहीं। इसको फ्रीज में रख दूँ क्या कि बाहर रखने से भी खराब नहीं होगा? नहीं होगा खराब, नहीं होगा आज नहीं, मुझे लगता है हो जाएगा बेटा। इडली बाहर रहने देती हूँ, इसको फ्रीज में रख देती हूँ, सही रहेगा है कि नहीं? हड़बड़ी क्या होता है बोलूँ? कुछ भी हड़बड़ी में गड़बड़ी। ये चम्मच ये पापा के लिए है। बेडरूम में बैठे हैं ना? हाँ वहीं पे ले जाऊंगी खा लेंगे। ये कटोरी में किसके लिए? मेरे लिए। आज इतना स्टाइल मार के पीने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा ना हो कि पापा नाराज होके चले जाए। पूछ ले फोन कर बो है ना। बाय बेटा। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं हूँ मामी एंड वेलकम बैक टू मेरे साथ। तो पापा और मेरे भाई आए थे दोनों और वो लोग वापस चले गए, आप लोगों ने तो देखा। एक्चुअली आज की मेरी सुबह ऐसी हुई कि सुबह सुबह पापा का कॉल आया कि नाश्ते में क्या खाओगे आज। तो मैं एकदम से हड़बड़ा गई, मैंने कहा पापा आज आने वाले हो क्या आप लोग? तो उन्होंने कहा कि नहीं सभी नहीं, मैं अकेले जाऊँगा और बच्चों से मिलूंगा क्योंकि रियाना इनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो और वापसी भी आ जाऊंगा आधे घंटे में। तो फिर मैंने कहा अगर इतनी हड़बड़ी में आके वापस जाना है आपको पापा, तो आप वीडियो कॉल करके बात कर लो ना उनसे। तो वो नहीं माने, और मुझे पता है पापा की एक बात, पापा अगर कहेंगे कि बच्चों से मिलना है तो मतलब मिलना है। उनको अगर कहते हैं कि आधे घंटे के अंदर ही मुझे वापस आना है, तो फिर वो आधा घंटा भले ही 25 मिनट हो जाए लेकिन 35 मिनट नहीं होता, मतलब इतने टाइम के करेक्ट हैं वो। तो मैं इसलिए फोर्स नहीं करती उनको, वो एक बार कुछ भी लाइन बोल दिया तो मतलब वो हो गया उनका। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है पापा आप अपने दोनों लाडले से मिलने आ रहे हो तो मेरे लाडले को भी साथ में लेके आना, प्रिंशु को लेके आना। तो वो लेके आए थे, उन्होंने मिला हमसे और फिर चले गए हैं वो। और अभी बहुत सारा काम भी बाकी है, मुझे मेरा जो ये क्रॉकरी यूनिट है उसको थोड़ा सेटअप करना है, और उसके बाद बच्चों की बुक जो कवरिंग की थी मैंने वो थोड़े से रह गए हैं, तो मुझे उसको भी कंप्लीट करनी है आज, क्योंकि रियान बहुत ज़्यादा मुझे डांट रहा है कि मम्मी सब कुछ करी हो लेकिन हमारा बुक्स मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो भी करनी है आज। उसके बाद मुझे लंच बनाना है, लंच आज हस्बैंड नहीं करेंगे घर में उन्होंने कहा है, तो मैं पराठा बनाऊंगी जाहिर सी बात है, या फिर रोटी जो भी, और बच्चों से पूछूंगी। उसके बाद उसके साथ मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी और
एक खास आइटम बनाऊंगी, वो आप लोगों को देखने के बाद पता चलेगा, तो थोड़ा धीरज रखिए। और जो जो भी है अभी करूंगी वो आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ। तो आप सोच रही होंगी कि गाजर का हलवा अभी तक, तो मैं एक बात बता दूं, मैं कुछ दिनों पहले एक सुपरमार्केट गई थी, वहां पे मुझे एकदम लाल लाल और फ्रेश गाजर मिले, तो मेरा तो मतलब मन देख के रुका ही नहीं गया और मैं ढेर सारा ले आई। और क्या होता है ना कि हर साल मैं एक बार या फिर दो बार ज्यादा से ज्यादा गाजर का हलवा बनाती हूँ, लेकिन इस बार मेरा 4-5 बार मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो क्रेविंग्स है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। बेसिकली कहूँ तो गाजर का हलवा सबके लिए बना रही हूँ, लेकिन ज्यादा खाने का मन मेरा ही कर रहा है, तो मैं वो भी बनाऊंगी अभी आज मतलब फिर से। और पालक भी मुझे बहुत फ्रेश मिले थे, एकदम छोटे छोटे पालक बिल्कुल फ्रेश, जो कि वेजिटेबल मार्केट में मुझे इजीली नहीं मिले थे, सुपरमार्केट में मिल गए थे, वो भी मैं एकदम बहुत ज्यादा लेके आ गई साथ में। और अभी 2-3 आइटम मुझे करने बाकी है, तो आखिरी होगा शायद ये इस साल का आखिरी पालक होगा, बना देती हूँ 2-3 आइटम जितना भी बाकी है मेरे दिमाग में वो, और किस्सा खत्म करती हूँ। तो बने रहे मेरे साथ, जुड़े रहे मेरे साथ, आगे मैं क्या क्या करने वाली हूँ अभी देखिए। हाँ जी, तो सबसे पहले कांच के सारे बर्तन को मैंने धो के सूखने के लिए छोड़ दिया, और फिर मैं आ गई नेल पेंट अपना रिमूव करने, क्योंकि मुझे नए से कोट लगाने हैं, जाने वाले हैं हम लोग कहीं पे, वो आपको मेरे आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। तो इसके बाद फिर मैं आ गई क्रॉकरी यूनिट को सेटअप करने के लिए, और मेरा तो एक फंडा है, घर के सारे क्रॉकरी सेट जो भी है आपको सारे यूज़ करनी चाहिए, अगर टूटता है तो टूटने दो, नए आ जाएंगे, लेकिन टूटने के डर से कुछ लोग यूज़ ही नहीं करते, फिर क्या फ़ायदा हुआ वो सब खरीद के रखने का बताइए। तो क्रॉकरी यूनिट सेट करके मैं जैसे ही किचन में गई, मैंने पराठा बनाना स्टार्ट किया, तो हस्बैंड का कॉल आया कि उनका काम कैंसिल हो गया और वो घर में ही लंच करेंगे। फिर क्या, मैंने उनको कहा कि मैंने पराठा बनाना शुरू कर दिया है ऑलरेडी और हलवा भी बिठाया है, तो आ जा पराठा खा लेना, तो वो भी मान गए। और ये जो हलवे की रेसिपी है ये मैं पता नहीं कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार मैं नहीं करूँगी। तो आज की जो नई रेसिपी है मेरी वो है कॉर्न पालक, और ये कॉर्न पालक जिसने भी मेरे हाथों का खाया हुआ है उन सबको पता है कि कितनी मज़े की बनती है। अगर पालक अवेलेबल है कहीं पे तो प्लीज़ आपको ज़रूर से बनाना है ये रेसिपी, और कमेंट करके ये भी बताना है कि कैसा टेस्ट आया, अगर मिल रहा है तो प्लीज़ ज़रूर से बनाएं। तो जी, आप लोगों से बात करते करते हो गई मेरी क्रॉकरी यूनिट सेटअप कम्प्लीट। सो मेरे हाथों की टेस्टी कॉर्न पालक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पानी बॉयल होने के लिए रख दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाला चीनी ताकि पालक का जो कलर है वो बरकरार रहे। उसके बाद मैंने साफ़ करके अच्छे से धो के मैंने यहाँ पे डाला है पालक, और पालक जितना उसका हाफ धनिया पत्ती और 3-4 हरी मिर्ची, इसको अच्छी तरह से डुबो देने हैं और तुरंत ही गैस ऑफ कर देने हैं, और इसके बाद तुरंत ही इसको फिर ठंडे पानी से इसको 2-3 बार धो देने हैं, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पे ही रुक जाए। और ये देखिए इसका कलर, इसके बाद इसको निचोड़ के, इसमें पानी नहीं रहनी चाहिए, निचोड़ के इसको फाइन पेस्ट कर देनी है ग्राइंडर पे हमको। इसके बाद इसका कलर देखिएगा आप, वो इसलिए क्योंकि इसको हमने बॉयल नहीं किया है, ब्लांच किया है, इसमें थोड़ा सा चीनी डाला है और ओवर कुक नहीं किया है। कुकिंग प्रोसेस के दौरान जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं बता देती हूँ, नमक टू टेस्ट, बेसन, बटर, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, और अभी जो हमने ग्राइंड पेस्ट किया हुआ है वो, और इसके बाद है ये कॉर्न। कॉर्न आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं, इसको मैंने छील के डायरेक्टली मैं फ्रोज़न करके घर में रखती हूँ, तो ये घर का है। उसके बाद है ये मिल्क, मैंने थोड़ा सा मिल्क यहाँ पे रखा है, आपके पास क्रीम है तो वो डाल दीजिए। उसके बाद है लहसुन, और लहसुन मैंने उसका छिलका निकाल दिया है, और सूखी लाल मिर्च 3-4-5 जितना आप तीखा पसंद करें। इसके बाद एक प्याज है, प्याज को मैंने कर लिया है यहाँ पे चॉप। कढ़ाई गरम करके मैंने यहाँ पे सरसों का तेल गरम किया है, आप चाहें तो रिफाइन ऑयल से भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारा ऑयल यहाँ पे डाला है, क्यों वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और साथ में मैंने यहाँ पे डाला है लहसुन टुकड़ा किया हुआ, और इसमें सूखी लाल मिर्च और जीरा डाला है। जैसे इसका कलर थोड़ा चेंज हो तो यहाँ पे मैंने सारा जो है सूखी लाल मिर्च और लहसुन और थोड़ी सी जीरा निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे शामिल किया है कटा हुआ प्याज, और इसको ट्रांसलूजन होने तक पकाया है। फिर डाला है यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, और तब तक भुनाई की है जब तक इसकी कच्ची स्मेल नहीं चली जाती। फिर इसमें मैंने बेसन डाला है, यही रीज़न था कि मैंने ज़्यादा ऑयल डाला है, अगर कम डालेंगे तो फिर बेसन की भुनाई नहीं होगी। फिर इसमें
मैं हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाला है और इसके बाद मैंने शामिल कर दिए हैं तुरंत ही कॉर्न और इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक, नमक के बाद जो पेस्ट हमने ग्राइंड किया हुआ पालक और धनिया और हरी मिर्ची की, इसको थोड़ा सा भुनाई करें, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, और ग्राइंडर को भी मैंने पानी डाल के साफ़ करके इसमें ही डाल दिया है और इसको बुनाई करते जाना है जब तक इसकी कच्ची स्मेल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बुनाई करना ज़रूरी है। इसके बाद जो हमने निकाला हुआ था सूखे लाल मिर्च, लहसुन और जीरा, उसको मडल कर देने हैं, यानी कि दरदरा हिसाब से कूट देने हैं। और इसमें मैंने अभी जो मिल्क है, आपके पास क्रीम हो तो वो डालिए, वो मैंने मिला के थोड़ी सी इसको स्टर कर दिया है बस, और इसको यहाँ पे निकाल देना है। और दूसरा फ्राई पैन मैंने यहाँ पे बिठा के यहाँ पे बटर को मैंने किया है मेल्ट, इसको गर्म नहीं करना है, बस मेल्ट करना है। इसमें डाला है कसूरी मेथी और जो अभी हमने कूट के रखा था मसाला, वो इसकी बस थोड़ी सी तड़का के हिसाब से फ्राई करके इसी में डाल के इसको मैंने ढक दिया है ताकि इसका जो टेस्ट मतलब अरोमा है मतलब खुशबू वो पूरे कॉर्न और पालक में आ जाए। लंच का टाइम हो गया था, हस्बैंड आ गए थे घर, तो उनके लिए मैंने परोसा खाना। हमारे घर में ना सभी को कॉर्न पालक बहुत ज़्यादा पसंद है और ये देखिए गाजर का हलवा, कॉर्न पालक, उसके साथ पराठा, क्या कॉम्बिनेशन है सच में। हस्बैंड ने भी बोला कि आज अगर नहीं आता लंच करने तो ये खाना नहीं मिलता, अच्छा हुआ कि आज मैं घर आ गया। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा ये और मुझे फीडबैक इसका ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। आप देखिए इनका घुराया हुआ मुँह, बोले ऐसा क्यों, क्योंकि जब इन्होंने थाली देखा तो कहा कि तुमने तो बोला था पराठा, रोटी क्यों? तो मैंने कहा पराठा हम तीनों माँ बेटों के लिए, आपके लिए सिंपल रोटी। चलो जी, इसके साथ मेरा आफ्टरनून का रूटीन ख़त्म हुआ। मैं आ गई एक कप चाय लेके सुकून से बैठने कुछ देर। हाँ जी, चाय मुझे हर वक्त चाहिए, ब्रश करने से पहले, ब्रश करने के बाद, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, दोपहर से पहले, दोपहर के बाद, आफ्टरनून से पहले, आफ्टरनून के बाद, रात को सोने से पहले, सोने के बाद, मतलब हर वक्त, क्योंकि चाय के बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। हालांकि ये बहुत गंदी आदत है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एक वक्त का खाना ना खाऊं तो चलेगा लेकिन चाय के बिना मेरा गुजारा नहीं होता। और यहाँ पे मैंने शॉल ओढ़ लिया है क्योंकि मुझे हस्बैंड जो है मेरे वो एसी ऑन करके बैठे थे और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। हाँ, किचन से आने के बाद 5-10 मिनट तक मुझे एसी पसंद है क्योंकि गर्मी लगी रहती है किचन में, उसके बाद फिर मुझे ठंड लगने लगती है तो मैं कुछ ओढ़ लेती हूँ, शॉल वगैरह कुछ भी ऐसा। लेकिन एसी बंद नहीं करती क्योंकि हम ठंड लगे आदमी तो मतलब कुछ ओढ़ सकते हैं लेकिन गर्मी का मारा इंसान क्या क्या निकालेगा, बोलिए, कपड़े तो वो लोग पहनेंगे ना। सो एक्चुअली यहाँ पे जो बुक्स है वो दो तरीके की होते हैं। इसके जो ये देखिए आप, इसकी जो बाइंडिंग होती है वो एक ऐसी होती है और दूसरा जो है उसमें गैप नहीं होता, वो ऐसे सिल के आती है। तो जो इजी है मैं पहले वो बताती हूँ, वो ये कि सबसे पहले इसको ओपन करना है फर्स्ट पेज एंड देन इसके अंदर ये वाला निकाल के, बस अपने नाखून से थोड़ा सा इसको आयन जैसे करते हैं वैसे करके बस एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है यहाँ पे, सेम यहाँ पे भी, देन इसको अभी फोल्ड करना है। अब मेरे पास है ये एक्चुअली ब्राउन टेप है, मेरे पास सेलो टेप नहीं था, खत्म हो गया था और ये लास्ट ईयर मैंने मंगवाए थे ब्राउन टेप, कोई ऐसा ही होना होता है, इतने कर लिए किसी ने नहीं हुआ, बस जैसे मैंने शूट करने के लिए कैमरा ऑन किया, देखो देखो यहाँ पे एक टेप यहाँ पे डालना है बस। बस होगी एक कंप्लीट। और सेकंड वाला जो है वो है जिसमें कि पेजेस के अंदर कोई गैप नहीं होता, वो वाले बुक्स में थोड़ा अलग प्रोसीजर है इसका। इसको पहले ऐसे देखेंगे, ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा ध्यान से मार्क करना है और इसको ऐसे कर लें ये वाले साइड से भी। तो ये देखिए एक दो लाइन ये मार्क हो गया, ठीक है, इसको लगभग 1 इंच तक
कट करने हैं कि तो अभी इसका एक स्क्वायर पोर्शन जो है वो निकाल देना है। ओके, अभी ये देखिए परफेक्ट। अब इसको फर्स्ट पेज वापस से हमको नाखून से एक लाइन खींचनी है दोनों तरफ से पकड़ के। देखिए पहले फोल्ड कर दें इसे, इसके बाद इसको पलट देने हैं और इसका लास्ट जो कवर होता है वहां पे इसको फिर दोनों तरफ से इसको हमको बिल्कुल सेम साइज हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट। इसको अब हम दोनों तरफ से पकड़ के नाखून से लाइनिंग करनी है जैसे आयरन करते हैं बिल्कुल सेम। देन इसको लाइनिंग करनी है। ये हो गया एक साइड। जैसा कि आज मैंने कहा था आप लोगों को कि आज मुझे सारे बुक्स और कॉपीज में कवरिंग करने हैं। एक्चुअली थोड़े मतलब 2-3 दिन पहले मैंने थोड़े से कॉपीज में कवरिंग कर दिए थे लेकिन बाकी के सारे बुक्स और कॉपीज जो है वो मैंने अभी किए हैं कंप्लीट। एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके ऊपर मुझे सब्जेक्ट्स के नाम और यान और आयाम के नाम लिखने हैं तब जाके ये कंप्लीट होगा और उसके बाद इसको उनके अपनी अपनी जगह पे तय करके रख दूंगी। ध्यान का अलग, आयान का अलग, तो उसके बाद फिर वही जिम्मा संभाले साल भर का। तो मैंने तो कवर कर दिया। बस ये है ना कि बच्चे संभाल के रखे। लास्ट क्या होता है ना कि जैसे ही साल खत्म होता है तो खत्म होते होते साल ये जो कवर लगा हुआ होता है वो थोड़ा गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, कोई निकल आता है ऐसा। तो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उम्मीद ही है कि केयरफुली रखेंगे। अभी बड़े हो रहे हैं तो उनको भी समझ आना चाहिए, केयरफुली रखेंगे उम्मीद करती हूँ इस बार। तो ये था आज का पूरा ब्लॉग। हाँ एक बात और, आज 4 बजे से एक्चुअली मैं बैठी थी तो मेरी कमर जो है वो बिल्कुल अकड़ गई है। बस बीच में मैं उठी थी 15-20 मिनट के लिए, बच्चों के लिए मैगी बनाई और हस्बैंड और मेरे लिए चाय और ड्राई फ्रूट्स बस। और भूख भी मुझे बहुत जोरों से लगी है। अभी मैं जाऊंगी, अभी कुछ अच्छा सा खाऊंगी वरना बिल्कुल मेरा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी मैं मतलब या तो नींद आ जाएगी मुझे या तो मैं लेट जाऊंगी क्योंकि कमर भी बिल्कुल बहुत ज्यादा अकड़ गई है। तो यही था आज का पूरा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें हमेशा की तरह मेरे साथ और जुड़े रहें मेरे साथ। जल्द ही मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। थैंक यू।